फ्रेंड्स, आज का हमारे डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल में क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं यहाँ पे सिर्फ पहला पार्ट डिस्कस करूँगा, सेकंड पार्ट बहुत ही आसान है, लेकिन अगर फिर भी आप अगर चाहते हो तो कमेंट करना, मैं तुरंत ही उसका रिप्लाई कर दूंगा आपके कमेंट में भी, और अगर चाहते हो तो वीडियो भी बना दूंगा अगर नहीं क्लियर होता है तब। ठीक है, तो इस पार्ट को कवर करते हैं। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सीजियम, क्लोरीन और आयोडीन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। मैंने भी किया था तो मुझे ट्विस्ट वो समझ आ गया, मे बी आपको ना आए तो आप एग्जाम में इसको गलत ना कर दे, इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ तक हमें क्लियर है। सीजियम की अगर मैं बात करूँ तो ये पहले ग्रुप में आता है सबसे लास्ट में, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो सीजियम को तो सबसे ज़्यादा रख दो भाई, सबसे लीस्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसको भी सबसे इधर रख दो एक्सट्रीम एंड पे, ये तो आपको पता होने चाहिए भाई। ठीक है, इसके बाद रह गया ऑक्सीजन, और ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये दो रह गए, तीन रह गए। ऑक्सीजन कहाँ आता है, फ्लोरीन से पहले आता है। अगर मैं यहाँ पे पीरियड टेबल देखता हूँ तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन यहाँ आता है, और आयोडीन कुछ यहाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन यहाँ आता है। इतना तो क्लियर है कि क्लोरीन और ऑक्सीजन क्या होगा, क्लोरीन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा आयोडीन कंपेरिजन, तो आयोडीन हमारे पास यहाँ आएगा, ये बात भी क्लियर होगी। तो आयोडीन में कट गया, क्लोरीन और ऑक्सीजन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो भाई क्लोरीन इधर है, ऑक्सीजन इधर है, भाई दोनों ही लगवा लगवा पोजिशन सेम है। इसका यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो साइज ज़्यादा है। इसका क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो साइज भी कम है। अब हमें पता होना चाहिए, एक रूल होता है कि एक न्यूमोनिक्स है, क्या होता है वो, फोन, FONE, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइम पे, जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो उसमें ये एलिमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से, ये होता है फ्लोरीन, ये होता है ऑक्सीजन, और ये होता है हमारे पास कौन सा, एक मिनट, ये होता है हमारे पास नाइट्रोजन। ई कुछ नहीं है यहाँ पे, फोन से हम यार ट्रिक याद रख सकते हैं, ये क्या है न्यूमोनिक्स, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ना तो नाइट्रोजन दिख रहा, ना ही एक फ्लोरीन हो गया, वो आ गया, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में कौन रहेगा ज़्यादा, ऑक्सीजन रहेगा ऑब्वियसली, ऑक्सीजन यहाँ आ गया और क्लोरीन यहाँ आ गया। ठीक है, क्लियर है ना, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये थोड़ा सा न्यूमोनिक्स था, मैंने आपको ये बताना था, इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। ठीक है, दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मिलती है अगली वीडियो में, टिल देन अपने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वाला सलूशन आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में।